बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई मोहम्मद सामाई पर, सब खैर से होंगे। और आज हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ हाजिर हैं, ठीक है। फॉल 2022 है सेमेस्टर ये, और टोटल मार्क्स हैं 10, और डेडलाइन इसकी जो ड्यू डेट है वो है जनवरी 23, 2023। ओके, तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप अच्छी तरह से रीड किया करें, ठीक है। और आपकी जो फाइल है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए। आप जब असाइनमेंट को सबमिट करवाएँ तो इसको दोबारा डाउनलोड करके देख लिया करें, ठीक है। और ड्यू डेट के ऊपर सबमिट करवानी है तो वो एक दिन आपको एक्स्ट्रा भी देते हैं कि अगर आपके असाइनमेंट रह जाए किसी वजह से तो आप दोबारा उसको सबमिट कर सकें। तो नेक्स्ट आपने जो है डॉक्स एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल को डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है। और अगर दूसरे किसी में करवाएंगे तो आपकी असाइनमेंट जो एक्सेप्ट नहीं होगी, इसकी ये तो आपको पता होगा। और ये होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसको आप लाजमी रिटोट किया करें, जो जहाँ पर टॉपिक्स दिए जाते हैं, जितने लेक्चर दिए जाते हैं, उन लेक्चर से आपकी एक तो ये होता है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो आपको समझ आ जाती है, ठीक है। आपको काफ़ी वीडियोस तो मिल जाती हैं असाइनमेंट करने के लिए, कुछ आपको पेड भी मिल जाती हैं, कुछ आपको मतलब मिल जाती हैं, आप कर लेते हैं, दोस्तों से करवा लेते हैं। लेकिन ये है कि जो आप जो ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक्स दिए होती हैं या लेक्चर होते हैं, वो अगर आप उनको देख लेंगे ना तो आपकी एक तो असाइनमेंट भी कवर होगी, उसकी समझ भी आएगी, और आपकी जो एग्ज़ाम होगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉपिक होते हैं उनको लाजमी देख लिया करें, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है लर्न अबाउट रैशनल रिलेशनल डाटा बेस है, ठीक है। टू लर्न द यूज़ ऑफ रिलेशनल डाटा बेस ऑपरेटर है, टू लर्न द सेंटेक्स ऑफ राइटिंग रिलेशनल डाटा बेस क्वेरीज है। तो इन टॉपिक्स को आप देखेंगे तो आपकी जो असाइनमेंट आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स का एक ही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, पढ़ लेना फिर भी। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, टू डेवलपर नीड टू एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन टेबल 1 फ्रॉम इज डिफाइंड डेटाबेस मॉडल यूजिंग द रिलेशनल डेटाबेस क्वेरीज डेट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्ट प्रोजेक्ट एंड ज्वाइन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे उन्होंने तीन आपको बता दिए, सेलेक्ट प्रोजेक्ट एंड ज्वाइन ऑपरेटर्स को आपने देखना है बुक के अंदर जाके, तो आपकी इन तीन जो वर्ड्स हैं इनके जरिए आपके असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं, जो टेबल 1 दिया हुआ है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी एक्सट्रैक्टेड, तो ये आपको 6 इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनको आपने रीड आउट करना है, ठीक है। और ये जो है रिलेशनल क्वेरी ऑपरेटर्स एंड नेम ऑफ द रिजल्टिंग रिलेशंस आल्सो रेफरेंस लेबल, तो वो ऊपर वाला जो टेबल है ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये वाला जो टेबल है ये इसके अंदर आपके सारे आंसर गिवन है। तो आपने सिंपल क्या करना है, एमसीक्यू ये समझ लिया आपके, या आपने सिंपल ए बी सी डी आपने इनसे कुछ ना कुछ करना है, कलेक्ट करना है, तो आपने उसका आंसर देना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे 1 का आंसर होगा, यहाँ से आपने यहाँ से पिक करना है, और नीचे जो बॉक्स है ये वाला, इस बॉक्स के अंदर आपने उसको राइट करना है। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका उन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताने के लिए कि ऐसे इसको हल करना है। ऑप्शन ए के अंदर क्या बता रहा है वो, 1 के अंदर, एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल्स बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक सिटीज। वो कह रहा है कि एक जो स्टूडेंट है वो मखसूस, जो वो स्टूडेंट जो मखसूस सिटी से तलग रखता है, तो उससे जो बाकी स्टूडेंट हैं उनके टेबल से निकाल दिया जाए, ठीक है। तो उसका उन्होंने ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रेजिडेंट सिटी लाहौर। तो ए वाला जो लेबल है ये उसका 1 वाले ऑप्शन का ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बाकी का आपने खुद ढूंढ के इनमें से तो बताना है, कुछ इसके अंदर गलत है कुछ करेक्ट है, ठीक है। तो मैं आपको हैंड आउट के ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इन टॉपिक्स को आपने पढ़ना है, ठीक है, और मैं भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो मॉडल जो है 155 है, पेज 256 के ऊपर है, डाटा बेस सिस्टम रिलेशनल ऑपरेटर्स, ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गया, इसको आपने रीड आउट करना है, ठीक है। इसके अंदर ये देखें एम्प्लॉयज़ है, जॉब्स है, इस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो आपके असाइनमेंट इंशाल्लाह कवर हो। तो नीचे आए यहाँ पे डाटा बेस सेलेक्ट ऑपरेटर आ गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, वन ऑपरेशन वी माइट वॉन्ट टू परफॉर्म ऑन अ रिलेशन इज टू सेलेक्ट टुपल्स पोसेसिंग सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स एंड टू प्लेस दी सेलेक्टेड टुपल्स इन अ न्यू रिलेशन टू एक्सप्रेस दिस ऑपरेशन वी अडॉप्ट दी सेंटेक्स। तो ये वाला देखें, न्यू लेस देन सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू
3470 तो ये एज अ एग्जाम्पल यूज़ हो रहे हैं, तो यही वहाँ पे एज अ रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, नीचे आ जाएँ थोड़ा सा। ठीक है, ये देखें नेक्स्ट आ चुका है डाटा बेस सिस्टम प्रोजेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, वहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट एंड ज्वाइन दिया हुआ था, तीन वर्ड आपको मैंने बताए थे। ठीक है, तीन सेंटेंस थे, वही आ रहा है, सिलेक्ट हो गया प्रोजेक्ट, ये आ गया। तो न्यू टू है, ठीक है, प्रोजेक्ट जॉब टाइटल पहले आएगा, फिर फ्रॉम न्यू वन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन द रिजल्ट इज द क्रिएशन ऑफ अनदर न्यू रिलेशन कॉल्ड न्यू टू दैट कंटेन्स द सिंगल कॉलम ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द जॉब टाइटल कॉलम ऑफ द रिलेशन न्यू वन एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ द प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स ऑपरेशन द स्टेटमेंट मेल लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट नेम आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फ्रॉम एम्प्लॉयर आएगा। ठीक है, इस तरह सो ऑन चलेगा। नेक्स्ट नीचे आ जाएं, ज्वाइन ऑपरेशन आ गया। ठीक है, डाटा बेस सिस्टम ज्वाइन ऑपरेशन, इन तीनों को आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है। ओके, ज्वाइन के अंदर क्या आएगा कि ज्वाइन ए एंड बी, अगर दो एक या एक से ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय आ सकता है, कुछ भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ज्वाइन ए एंड बी वेयर ए डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू बी डॉट एक्स। ओके, इसी तरह नीचे भी दिया हुआ है, ज्वाइन ए बी वेयर ए डॉट डब्ल्यू या मल्टीप्लाई डब्ल्यू लेस देन बी डॉट एक्स। न्यू वन है लेस देन ज्वाइन असाइनमेंट एंड जॉब वेयर असाइनमेंट डॉट जॉब आई डी इज इक्वल टू जॉब डॉट जॉब आई डी। इसी तरह ये भी नीचे गिवन है, तो इनको आपने रीड आउट करना है। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम, इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। तो प्लीज़ मैं आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप इतना कर दिया करें कि कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करें, चैनल को लाइक कर दिया करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट लाजमी किया करें, और अपने फ्रेंड के अंदर भी वीडियो को शेयर किया करें, उनको बताया करें। ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। ठीक है, मिड टर्म के वाले से, फाइनल टर्म के वाले से, बेसिस क्विज़ जो आते हैं हम उनको अपलोड करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, GDBs करते हैं। ठीक है, तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट वाले का तो उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन टू वाला, एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल्स हु आर एनरोल्ड इन BScS डिग्री प्रोग्राम। टू वाले का देखना है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो दिए हुए हैं, ठीक है, BScS वाला F वाला है, और इसके साथ दूसरा एक दिया हुआ है, मैं नीचे आप देखें, एक तो F वाला दिया हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिग्री प्रोग्राम BScS। ठीक है, और एक दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ पे गया था, वन मिनट, डिग्री प्रोग्राम BScS एंड ये नीचे है। ठीक है, के वाला, ये सिलेक्ट डिग्री प्रोग्राम BScS फ्रॉम स्टूडेंट के, और जो यहाँ पे है एफ, इनमें से आपने दोनों में से देखना है कौन सा करेक्ट और कौन सा गलत है। ठीक है, तो जो यहाँ पे एफ वाला है ना, ये सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिग्री प्रोग्राम BScS, पहले सिलेक्ट आएगा, फ्रॉम स्टूडेंट आएगा, वेयर डिग्री प्रोग्राम, मैं यहाँ पे आपको बुक में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था, सिलेक्ट वाले के अंदर जाएं तो ये देखिए क्या आ रहा है, न्यू के अंदर, ठीक है, साइन आएगा लेस देन का, तो सिलेक्ट आएगा पहले फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो वहाँ पे क्या एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट आ रहा है, तो वेयर एम्प्लॉय आई डी, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है डिग्री प्रोग्राम। ओके, तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आई डी आगे इज इक्वल टू BScS, और इसके अंदर सेमी कोलन के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिग्री प्रोग्राम इज इक्वल टू का साइन आया, और सेमी कोलन के अंदर वहाँ पे आई डी थी, और यहाँ पे BScS आया, तो जो एफ है ये इसका करेक्ट आंसर है टू वाले का। तो आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने इसको एफ राइट कर देना। ओके, नेक्स्ट जो थ्री है, थ्री स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम स्टूडेंट नेम एंड डिग्री ऑफ द स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे जो थ्री है ना, ऑप्शन जो है ये वाला, जे वाला, ठीक है, सिलेक्ट कॉलम्स, स्टूडेंट नेम आएगा, डिग्री प्रोग्राम आएगा, फ्रॉम स्टूडेंट आएगा। ओके, तो जे वाला इसका करेक्ट आंसर है, जे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब फोर को देख लेते हैं इसी तरह ही।
एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्स इन कॉलम्स, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड डिग्री फ्रॉम प्रोग्राम्स ऑफ द कोर्सेज टेबल। तो फोर वाले को हम देखते हैं, तो ये देखिए प्रोजेक्ट कोर्स कोड है, कोर्स टाइटल है, डिग्री प्रोग्राम है, फ्रॉम कोर्स, तो फोर के फोर इसके अंदर आ रहे हैं, तो ई इसका आंसर है। ओके ई इसके वो यहाँ पर राइट करते हैं। और फाइव को देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स टेबल हैविंग थ्री और मोर क्रेडिट आवर्स, थ्री और मोर क्रेडिट आवर्स। तो जो एल है, सिलेक्ट फ्रॉम कोर्सेज वेयर क्रेडिट आवर्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू थ्री, एल इसका आंसर है। यहाँ पे एल को राइट कर देते हैं। और जो नेक्स्ट रह गया है उसको भी देख लेते हैं, ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्सेज टेबल यूजिंग द डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट। तो ऑप्शन जो जी है, ज्वाइन कोर्सेज एंड स्टूडेंट ऑन कॉलम डिग्री प्रोग्राम, जी इसका आंसर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, कमेंट करें। तो अगर आपको असाइनमेंट पेड बनवानी हो तो आप नंबर दिया हुआ है, आप वो भी रब्ता कर सकते हैं, किसी और बुक की बनवानी हो, ठीक है, ये तो इजीली आप इजीली कर सकते हैं। तो बाकी अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।